हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं वो है क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास व इमारतें। बच्चों, सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि CUET और क्लास ट्वेल्थ में जितने भी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर किए जाएंगे। बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, सारे के सारे जो है क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 4 से जितने भी टॉप 25 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, वो सारे सारे आपके सामने होंगे। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे आगे की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो आंसर है वो है गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है उन्हें। उसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ। तो बौद्ध का जो जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ, मतलब ईस्वी पूर्व। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनके स्थान का नाम बताइए। तो ये पड़ता है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो पड़ता है बिहार और नेपाल की तरफ में। उसके बाद बारी आती है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो ये आएगा कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका आंसर है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है महात्मा बुद्ध को ही। उसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन वो आएगा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा बच्चों, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कबीले के सरदार थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कि बचपन में ही उनके जन्म देने के बाद ही वो चल बसी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या है, या उपमाता का नाम। तो इसका नाम है प्रजापति गौतमी। तो ये इसका आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये बनेगा बच्चों, महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। उसका अगला क्वेश्चन ये आएगा बच्चों कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग जब किया, उस समय उनकी आयु क्या थी। तो इसका आंसर है, उस समय उनकी आयु 29 थी, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपना घर को छोड़ा था, घर गृह त्याग किया। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है, गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया है, उनके घर छोड़ने की घटना को क्या बोला गया। तो इसका आंसर है महाभिनिष्कम, महाभिनिष्कम उनके गृह त्याग की घटना को बोला गया। उसका जो अगला क्वेश्चन ये आएगा, बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था। तो बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम, अलार कलाम जो थे उनके प्रथम गुरु थे। उसका अगला क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि प्रथम गुरु से बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कौन सी शिक्षा प्राप्त की। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका आंसर है, प्रथम बुद्ध गुरु से महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उसका अगला क्वेश्चन आएगा, महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था। तो इसका आंसर है, महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। उसका जो अगला क्वेश्चन वो आएगा, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने। तो इसका आंसर है 5 शिष्य उनके बने थे उरुवेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ जाएगा, बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे। तो बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम थे कौंडिय, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। तो इन्हें आप देख के आराम से समझ सकते हैं। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई।
तो सारी डिटेल आपके सामने है, और इसका आंसर है उन्हें 6 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष लगे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करने में। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये आएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? तो इसका आंसर है ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध और तथागत के नाम से जाना गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस तरह से, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो इसका आंसर सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये है बच्चों, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि हुई? तो इसका आंसर है बैसाख पूर्णिमा वाले रात्रि में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में उनका पहला उपदेश दिया। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आएगा, भगवान बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश देने की घटना को बोला गया है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए? तो इसका आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए? तो इसका आंसर है भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए गए। तो बच्चों इस तरह से 25 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इन्हें देख के समझ के कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।